और नमस्कार भाई लोग, और पार्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में ऊप्स एक ऐप लॉकर, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है लॉक करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो और बोल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, इसको स्किप कर दीजिए। इधर आपको कुछ यूज़ गाइड बोल रहा है, आप इसको पढ़ के पता लगा सकते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। इधर बोल रहा है सेट पासवर्ड, देखिए इसका ऊपर क्लिक किया, आप कितना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, 2, 3, 4 या 5, ये जो प्लस बटन बटन है और माइनस वाला बटन है, इसका ऊपर आपको पासवर्ड सेट करना है। तो आप अपना मर्जी से इसको जैसा चाहिए अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इधर बोल रहे हैं प्रेस वॉल्यूम बटन अप डाउन एंड सेलेक्टेड टाइम एंड बटन। तो आपका जैसा मर्जी है आप उस तरह का इधर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ये बटन का ऊपर क्लिक करके। तो मैं इसको एक बार करता हूँ, उसके बाद एक बार माइनस को। इधर बोल रहा है इंटर अगेन फॉर कंफर्म, दोबारा करने बोल रहा है, दोबारा भी सेम कीजिए जैसा आपको रखना है। इसको मैं एक बार करता हूँ, उसके बाद इसको, तो ये सेट हो गया है। आपको ये दो बार या फिर इसको एक बार, इसको तीन बार, एक बार, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल से रखा इसको एक बार, इसको एक बार, मतलब वॉल्यूम प्लस को एक बार, वॉल्यूम माइनस को एक बार। इधर आपको आंसर सेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब कुछ पासवर्ड आप कुछ रॉन्ग लगा दिया, कुछ भूल गया, तो इसके वजह से आपको इधर आंसर या व्हाट योर यूनिवर्सिटी, तो आप कुछ भी इधर लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं अपना दे देता हूँ, सेटअप हो गया है। तो ये एप्लीकेशन जब भी ओपन होगा तो कुछ इस तरह से कुछ नोट बुक का जैसा ओपन होगा। आपको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो पासवर्ड था इसको एक बार करना है, इसको एक बार। तो देखिए ये खुल गया है, आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा लॉक आपने लगाया है। ओके, तो ये ओपन हो गया है। तो आप यहाँ से अपना ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना जो जिस एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं उसको लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये अमेजन का, इसके ऊपर मैं क्लिक किया, इधर बोल रहा है ब्लॉक, मतलब जब भी कोई आदमी ये अमेजन का जो एप्लीकेशन है इसको ओपन टच करेगा, ओपन करने का कोशिश करेगा, तो ब्लॉक आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा मेरा अमेजन का ऐप, तो इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने से देखिए ये ब्लॉक हो गया है, देखिए ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, आप इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको अपना जो पासवर्ड दिया था आपने उसको प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला बटन, और इसको देखिए ये खुल गया, आप इसमें आप काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसका ऊपर गया, लॉक खोला। दूसरा एप्लीकेशन जैसे कि ये मैं कुछ कैमरा ट्राई करता हूँ, या फिर सॉरी किधर गया बोला, और इसको आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ये ला ट्रांसपेरेंट, मतलब ये ब्लैक कलर दिखाई नहीं देगा, बस सिंपल सा ऐसा रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसका ऊपर क्लिक किया, ये देखिए अमेजन का ऊपर क्लिक करते ही ये अभी काम नहीं करेगा, देख सकते हैं कुछ भी काम नहीं करेगा। आप किसी दोस्त को या फिर घर में बच्चा है उसको ये मोबाइल दे दोगे तो काम नहीं करेगा। देखिए तो बहुत ही अच्छा लॉक है ये, इसको खोलने के लिए आपको ये वाला बटन और इसको प्रेस करना होगा। आप जिससे अपना लॉक रखा है उस तरह से आप लॉक खोल लीजिए, ये देखिए ये लॉक खोल गया, अब ये काम करेगा, ये देखिए काम कर रहा है। ओके, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपना फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं। ये खुल गया, ये कस्टमाइज करके आप अपना गैलरी में अपना फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं, आपका गैलरी में जाके आप फ़ोटोज़ को चूज़ करके आप यहाँ से लगा सकते हैं अपना फ़ोटोज़ को भी, और इसका ऊपर क्लिक करके आप अपना स्क्रीन लॉक को भी लगा सकते हैं। ये बोल रहा है स्क्रीन लॉक, आपको बस याद रखना होगा इतना ही, जो आपका जो बटन में आप कितना बार प्रेस किया इसको, दो बार या एक बार, आपको जैसा मर्जी आप वैसा रखिए, आपको ये याद रखना होगा तभी जाके ये। तो दोस्तों मैं आपको इसमें स्क्रीन लॉक लगा के दिखाता हूँ। तो स्क्रीन लॉक करने के लिए आपको ये जो इसके ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद स्क्रीन लॉक इसको ओपन कर दीजिए, मेथड 1 इसको यस कर दीजिए, आपको इधर पिन सेट करना पड़ेगा, मैं कुछ पिन सेट कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट, ये हो गया है, उसके बाद आपको परमिशन मांग रहा है, ये परमिशन देना पड़ेगा आपको, इसको ओके कर दीजिए, उसके बाद आपका परमिशन हो गया है। उसके बाद ये जो स्टाइलिश है इसको डिफॉल्ट में रहने दीजिए, आप इसको ट्रांसपेरेंट, ब्लॉक या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब आप अपना गैलरी से कोई भी फोटो को यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है कुछ दिखाई नहीं देगा, ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक। तो इसको आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, और इसको मैं ऑफ करता हूँ। तो आपका अगर फिंगरप्रिंट से खोलेंगे आप इसको,
तो ये ओपन होगा लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है उसको होने में। तो ये देखिए इसको मैंने बंद कर दिया है और ये फिंगरप्रिंट में लगाया तो ये खुला लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। देखिए ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। आप ये जो इधर में जो पासवर्ड सेट किए थे आपको इस तरह से करना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। ये मैं कर दिया तो ये खुल गया। ओके तो अब ये मैंने दोबारा बंद किया, दोबारा ओपन करने से ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ इधर में तो ये खुलता है लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, ये दबाना इसको तो ये खुल जाएगा। आप जैसा इधर में सेट किए थे वैसा ही प्रेस करेंगे तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। ओके खुलेगा। ओके तो बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इस वीडियो का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और ये एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ गड़बड़ या भूल जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस फ़ोन को पूरी तरह से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब डेटा रिस्टार्ट नहीं, ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद दोबारा ऑन कीजिए और इसका डेटा क्लीन कर दीजिए। सेटिंग में जाइए, एप्लीकेशन मैनेजर में जाइए और इसका जो डेटा है उसको क्लीन कर दीजिए तो पूरे काम ठीक हो जाएगा। कोई गलती हो गई आपसे उसके बाद ये करिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड या दोस्तों लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए अपना। और वीडियो को कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।